यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। टू लाउड स्पीकर्स आर अरेंज्ड फेसिंग ईच अदर एट सम डिस्टेंस, है ना, ये दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है तुम्हें फिगर में। विल अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड वन ऑफ द लाउड स्पीकर्स क्लियरली हियर द साउंड ऑफ द अदर लाउड स्पीकर, है ना, जो पीछे खड़ा है, मान लो इस लाउड स्पीकर के पीछे खड़ा हुआ एक बंदा, और द क्लैरिटी विल बी सीरियसली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ द टू साउंड वेव्स इन बिटवीन, है ना। तो जब तुम्हें फिजिक्स नहीं आती या तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो तुम्हें क्या लगता है, इसने साउंड फेंका, दोनों के साउंड टकराए और बिखर के गिर गए, जैसे साउंड पार्टिकल्स है ना। सोचने में हमको क्या लगता है, जैसे कि साउंड पार्टिकल्स है ना, लोगों को पता नहीं, तो लोगों को क्या लगता है, लोग जब सुनते हैं साउंड एयर से ट्रैवल करता है तो उनको लगता है कि इधर की एयर उठ के उधर जा रही है, लोगों को तो यही लगता है। साउंड का मतलब क्या है, इधर से मेरा साउंड मतलब बहुत सारी एयर निकल के इधर से उधर गई, तुम्हारे कानों तक गई, है ना। तो इधर से पार्टिकल्स फेंक रहा है, इधर से फेंक रहा है, दोनों पार्टिकल टकरा के बिखर के साउंड नीचे गिर जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ये डिस्टर्बेंसेस हैं, इधर के पार्टिकल इधर ही है, बस वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर का पार्टिकल उठ के उधर नहीं जा रहा और इधर का पार्टिकल उठ के उधर नहीं जा रहा, है ना। तो ऑफकोर्स जब तुम इधर पे, अगर तुम बीच में कहीं खड़े हो तो तुम्हें दोनों के साउंड का सुपरपोजिशन सुनाई देगा, ठीक है। पर इधर पे इसका साउंड, मान लो इस वाले स्पीकर का साउंड पीछे नहीं जा रहा है ना, इस वाले स्पीकर साउंड पूरा ऐसा जा रहा है ना, मान लो, है ना, ठीक है, असलियत में तो थोड़ा बहुत पीछे जाएगी ना, पर मान लो नहीं जा रहा, इसका साउंड देखो ऐसे जा रहा है, तो तुम्हें लग रहा है वो बिखरेगा नहीं बेटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साउंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, अपन ने वेव ऑन स्ट्रिंग में पढ़ा है, वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ते क्यों है, ताकि हम साउंड वेव और लाइट वेव्स को अच्छे से समझ पाए, उसका पर्पस यही होता है। तो देखो जब दो वेव्स इधर से आती है तो क्या होता था, दोनों आती मिलती हैं, जिस समय मिल रही हैं हाई लो करती हैं, उनके एम्पलीट्यूड वगैरह बहुत सारी वेलोसिटी वगैरह चेंज होती हैं, फिर क्या होता है, देखो दोनों मिलती हैं और उसके बाद अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं। यहां पे विजुलाइज करना आसान होगा, यहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता जब दो वेव्स मिलती हैं, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। दो वेव्स आई, मिली और निकल गई अपने अपने रास्ते निकल गई, वो है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्टिकल टकरा के गिर गया, बॉल थोड़ी ना है कि दो बॉल टकराई और टकरा के गिर गई, ऐसा नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने बचा लिया। ऐसा तो फिर हमको कोई चीज दिखती नहीं, एक बल्ब से लाइट इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक टकरा के आ रही है, सारी लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती, हमें कुछ दिखाई नहीं देता ऐसे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, थैंक्स टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।